आज हम फिर से आए हैं बाबा साहेब का जो द ग्रैंड म्यूजिकल शो था वो देखने, और आज फर्स्ट डे से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। और आज मैंने नाना जी को भी बुलाया हुआ है, वो भी बस आने वाले हैं, और बुआ जी आ रही हैं और हर्षिता आ रही है। तो चलिए इतने हम टिकट्स ले लेते हैं, इतने बहुत हैं। आज टिकट्स हमको मिल गई है, और अगर बाई चांस किसी का टिकट्स बुकिंग नहीं हुई है तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, वो लोग बिना बुकिंग के भी टिकट्स दे रहे हैं। तो आपकी अगर टिकट बुक नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पे आ जाइए, आपको टिकट मिल जाएगी। आ गए हर्षिता और बुआ जी आ गए हैं, और हमने इनकी टिकट ले ली है। ये लो टिकट। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बुआ। नमस्ते। हम सब ने बैंड पहन लिया जिससे एंट्री होगी, अब बस नाना जी का वेट हो रहा है। कितने जाते हो? नाना जी आ गए। इतनी देर से वेट कर रहे, सब अंदर जा चुके, एक हम ही रह गए। संविधान ने सबको बोलने का हक दिया है, जीने का हक दिया है। इस संविधान की बात कर रहा भाई, यहाँ कुछ भी इक्वल नहीं है। ओ दादा, व्यक्ति को ज्यादा सम्मान, इन वालों को विशेष अधिकार, पिछड़ा आम आदमी की तुलना तो रखी है। ऐसा नहीं है, संविधान किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं है, उसमें सबके अधिकार भी। और दलितों को कुछ खास? दलितों को नहीं, हर सिटीजन को संविधान ने वो राइट्स दिए हैं, और उन्हीं के कारण ये बीपीएल और दूर गांव के इलाकों में शिक्षा और प्रोग्रेस का अधिकार मिल पाए। अगर ऐसा ही है तो रिजर्वेशन क्यों? क्या रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां नाम से पहले सर्वे पूछा जाता है, समाज में जात कबड्डी का खेल चलता रहता है, ऑनर के लिए आज भी है, बच्ची आदमी भी कभी है, और बकवास में बन गया, समझ गया? स्थिति का पता ना हो ना। सवाल पूछने, बस कुछ सवाल आपसे, आपसे, आपसे और आप सबसे। एक बात बताइए, क्या देश तरक्की कर रहा है? देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, देश चांद पर पहुंच गया है, देश में लंबी लंबी सड़कें बन रही हैं। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो आज भी सफाई करने के लिए इंसान की जरूरत क्यों है, और वो भी दलित? किससे? क्या आप में और हम में हिम्मत है वो सब करने की, अपनी जान को उस जहर में खोलने की? नहीं, कमाल है, चांद पर जाने को पैसा है, हथियार खरीदने को पैसा है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं उनके लिए कुछ नहीं है। और कमाल की बात है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्याचार की यह परंपरा इतनी पुरानी है कि अब हमें ये अत्याचार लगती है। ऐसा है भाई साहब, आपकी बात सोलह ने सच, पर इस चक्कर में मैं कार्यक्रम मत बिगाड़ो यार। कोई सुनता नहीं? अब क्या हुआ? अबे नेता जी के पास समय नहीं होता हर बार। अबे सामान का चलो पीछे रखो, चलो। चले गए तुम्हारे चीफ गेस्ट किसी इंपॉर्टेंट रैली में, इसीलिए कहता हूं सवाल पूछना जरूरी है। भाई कमाल, कमाल है, जिसने इस देश को डिजाइन किया है, आज उसके चलाने वालों के पास उनके लिए समय नहीं है। मेरा एक सवाल। हाँ। तुमने कहा तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हो? यस। वो इंडियन लेकिन वहीं पढ़े हो? हाँ, मैं दलित हूँ। दलित? तभी तुम्हें वहां बेटर स्कॉलरशिप मिलती है, और यहाँ मेरे पास दो पीजी डिग्री है, मैं डॉक्टरेट परस्यू कर रहा हूँ, बट हू बॉदर्स, हूँ तो मैं आज भी दलित। बाबा साहब जैसी फैसिलिटी सबके पास नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि सब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं? अरे यार ऐसा नहीं है, बाबा साहब तुम कोई कहा जा रहे हैं? मैं बाबा साहब को भक्त, तुम दूर मत जाओ मुझसे। बाबा साहब को भी ये सब कुछ सहना पड़ा था, और बहुत मानित हुए थे वे, पर उन्होंने इस अपमान को अपनी ताकत बनाया और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। उनके साथ बचपन में जो हुआ, तू और मैं तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते।
बचपन से ही जाति के नाम पर उन्हें टैग किया गया था। Do you know the story? तू नहीं जानता उनकी कहानी? ये कमाल है। और आप लोग, क्या आप लोग जानते हैं बाबा साहब की कहानी? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूं आपको बाबा साहब की कहानी। बाबा साहब को फॉलो करते करते मैं उन्हीं की तरह जीने लगा। मुझे लगा उनके जीवन के एक एक घटना को मैंने खुद जिया है। 1897 बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ। माता का देहांत एक साल पहले ही हुआ था। अब बाबा ही मां भीवा, जी हाँ, उनके पिता उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। तो छोटे से भीवा चले शिक्षा की राह पर। लेकिन ये बोरी लेके क्यों है? बोरी? ये बोरी क्यों है मेरे पास? बाबा ने कहा है कि मास्टर जी कहे तो कक्षा में पीछे जाके बोरी बिछा के बैठ जाना, पढ़ने पे ध्यान देना और कुछ भी मत सोचना। चार साल हो गए
चार साल एक लंबा अरसा होता है। हो सकता है कि बहुत कुछ बदल गया हो देश में भले के लिए। बड़ौदा पहुंच गया हूं, बस रहने का इंतजाम होते ही कल से नौकरी की तैयारी। महाराज के यहां सैन्य सचिव की नौकरी लगी है। लेकिन मुझे किराए पर रहने के लिए मकान चाहिए था, अगर यहाँ मिल जाता तो। हाँ है ना, आइए आइए पढ़े लिखे देखते हैं। जी हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करके आए। अरे वाह, किस जाति से है? बाहर दरवाजा खोल तो देते लेकिन जाति का पता चलते ही उतनी ही जान बंद नहीं कर देते। इतने दुख की बात है कि आज भी इस देश में शिक्षा से ज्यादा महत्व जात पात को दिया जा रहा है। अरे ये तो पारसी धर्मशाला है, यहां तो ऊंच नीच छुआछूत का ढकोसला नहीं होना चाहिए। अरे कौन है रे बाबा, एक ही बात बोल के हमारा दिमाग मत खराब करो। मैं भीमराव अंबेडकर। हो रही तुम्हारी मेज कुर्सी, हट जाओ। देखिए यहां जरा गर्मी है, मैं वहां आपके साथ पंखे के नीचे। नहीं, वो आंतरिक सुरक्षा वाली फाइल बन रही। अरे ये क्या तरीका है? यही तरीका है, तरीका तरीका। हाँ महाराज ने तुम्हें यहां हमारे साथ बिठा दिया है तो क्या हमारे बराबर क्या हो जाओगे? थोड़ा पानी हमें भी मिलाइए। देखो तुम्हारे लिए आज कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, कल से तुम्हारे लिए पानी का मटका भर रखवा देंगे। एक हरिजन आकर तुम्हारे लिए पानी का मटका भर देगा, पानी वहीं से ले लेगा। लेकिन मैं यहां से कोई लेकिन लेकिन नहीं, ये तुम्हारा अमरीका नहीं है। बस आ गए हमारी बराबरी करने। हरी मन ये फाइल महाराज के ऑफिस भिजवा दीजिए, मैं कल खुद बात करूंगा आपसे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा सदा संदेह पुनरी का नाम सर्वा भयम सदा सुचि दीजिए। ज्ञान खोल करो दरबार का, बड़ा रहम दो मियां, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अर्थ हमारा इष्ट, गगन। तुम्हारे लिए आज कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, कल से तुम्हारे लिए पानी का मटका बाहर रखवा देंगे। एक हरिजन आकर तुम्हारे लिए पानी का मटका भर देगा, पानी वहीं से ले लेना। लेकिन यहां मटका है। कोई लेकिन लेकिन नहीं, ये तुम्हारा अमरीका नहीं है। बस आ गए हमारी बराबरी करने। हमारी बराबरी ये फाइल महाराज के ऑफिस भिजवा दीजिए, मैं कल खुद ही बात कर लूंगा उनसे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पिवा जो समय पुनरी का शाम सर्वाभ्यम सदा सुचि पूछ लीजिए।
मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन इस रात में मैं चल दिया था उस पे ना कोई रिवर्स गियर ना ही कोई यू टर्न था। मेरी गाड़ी कई घंटों को पार करती आगे बढ़ती, घटनाओं ने मुझे और मजबूत कर दिया। वरुणा वाली घटना ने मुझे हिलाया जरूर था लेकिन तोड़ नहीं पाई। अब मुझे इस बात का और ध्यान हो गया था कि मुझे पढ़ना है। मेरी पढ़ाई ही बहुत से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था। अब मुझे अपनी कहानी का नायक खुद बनना है। न कोई आदमी मुझे रोक सकती थी, न किसी तूफान के रुके में रुकने वाला। अब मैं उनकी आवाज बन गया जो बेचारी कभी अपने लिए बोल ही नहीं पाई। के माहौल में सीना तान कर खड़े रहने की हिम्मत और लोगों को जागरूक करने की मशाल लिए बाबा साहब चढ़ पड़े समाज को शिक्षित करने। वो जानते थे कि एजुकेशन हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई हाथ से आपके सपने छीन ले तो कैसा लगता है, लेकिन हमारी जातियों को सपने देखने का अधिकार है ही कहां। सपने देखने के लिए नींद चाहिए होती है और हम तो सब या तो मरे हुए हैं या बेहोश। अरे इतनी कड़वाहट मत पाल यार, बाबा साहब के सपने भी अधूरे ही थे। अरे बाबा साहब के सपने भी अधूरे थे पर वो तुम्हारी तरह दुखी होकर नहीं बढ़ गए। उन्होंने अपने सपनों को दूसरों से जोड़कर देखा और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। वे अमेरिका गए जरूर पर थे भारतीय। अरे सूट पहने हुए संत थे वे जानते थे उनकी आवाज देश विदेश के सारे लीडर सुने, इसलिए अब वो उनकी आवाज बनना चाहते थे जो कभी बोल ही नहीं पाए। और मूक नायक की शुरुआत यहीं से हुई। शेर बोलेगा तभी तो शिकारी की असलियत खोलेगा। अब शेर कहानी खुद बताएगा, संकोच करने का कोई कारण ही नहीं। अब मैं निशंक होकर बात करूंगा। भूख रहकर जीने में क्या मतलब, मेरा अखबार भूख नायक अब दलितों की हुकार बनेगा। जरूरी है कि भीम राज अधिवेशन को संबोधित करें। आइए आइए।
प्रणाम। माननीय साहू जी महाराज तथा अन्य प्रभुगण, मैं भीमराव अंबेडकर सीधी अपनी बात पर आता हूं। हिंदुस्तान एक भेदभाव वाला देश है। हिंदुस्तान एक ऐसी कई मंजिली इमारत है जिसमें न खिड़कियां हैं, न दरवाजे हैं, न सीढ़ियां हैं। महोदय, इंसान जिस मंजिल पर पैदा होता है मरना भी उसे वही है। ऐसा क्यों? जो समाज सभी को बराबर न समझे, सभी को बराबरी के हक न दे, ऐसे समाज में सच्चा स्वराज कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए आप सबसे विनती है, इस बंद इमारत में खिड़कियां लगाइए, दरवाजे बनाइए, सीढ़ियां निकालिए और बाहर आइए जात-पात की इमारत से। बस इसी तरह सही मायने में हिंदुस्तान आजाद हो सकता है। लेकिन लेकिन याद रहे, सुनिए, हर सूरत में ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, ना हो सकता है। दूसरी जातियों ने सदियों से जो हिंसा, जो अत्याचार हम पर किए हैं, अगर आप भी वही करें तो आप अलग कैसे हो? नहीं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। मानवतावादी और हिंदुस्तान में आप जैसा और कोई नहीं होगा। धवल बता रहे थे कि आपको आपकी थीसिस बीच में ही छोड़नी पड़ी। जी महाराज, कुछ कारणों की वजह से मुझे लौटना पड़ा था, पर अब मन बना लिया। बस थोड़े से और पैसे इकट्ठे हो जाएं, मैं फिर से विदेश जाऊंगा पढ़ाई करने। इस बार तो लंदन जाने का भी प्लान। देखिए और पूछ, मैं आपको सहयोग देना चाहूंगा, पर मैं किसी शर्त में नहीं बनना चाहूंगा। मैं बांधूंगा भी नहीं। जल अगर बन जाए तो दूषित हो जाता है, हवा अगर बन जाए तो बवंडर हो जाती है, और आप तो यूं ही आंधी तूफान है भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राजकोष का धन जमता है, तो आप ये धन अपने सुविधा अनुसार लौटा दीजिएगा। महाराज, आपने हमेशा मेरे सम्मान की रक्षा की है, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। मिरेकल है ये तो, कैसे उन्हें ये सपोर्ट मिल गया? तारा, एक तारा, शाइनिंग स्टार। वो क्या लाइन बोलते रहते हो तुम लोग आजकल? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे बात तो बात बनते यार। सीरियस टॉपिक के बीच में यही तो प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन की सीरियसनेस में अगर तुम खुद उदास हो गए तो रास्ते दिखना बंद हो जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम को ब्लर मोड में रखो और सॉल्यूशन पे फोकस करो। बाबा साहब ने यही किया था और मिली ना सक्सेस। अब ये क्या है? उड़ना है, पंख है, हवा भी है। अरे मुझे मत देख, मेरे अंदर के भीमराव को देख जिनका मन उड़ना चाहता है। सपनों ने पंख लगा लिए है, पर हाँ रमाबाई हवा को झोंका जिन्होंने बाबा साहब को उड़ने का हौसला दिया। वॉच दिस। गन्याने घुंगरू हारिमला, गन्याने घुंगरू हारिमला, हारिमला ता हारिमे गन्याने माचा खेलूले, गन्याने बंगले फोड़ी दिया, गन्याने बंगले फोड़ी दिया, फोड़ी दिया ता फोड़ूले गन्याने माचा खेलूले। और कितना पढ़ना है तेरे मरद को? और नहीं तो क्या, ये तो तेरे बच्चों के पढ़ने की उम्र है। उसे होला पूरा कमाए कमाए वो तुझे गहने बनवा के दे, यहाँ तो उसके लिए खुद के गहने बेचे जा रही है। तुम लोग नहीं समझो। लो, हम नहीं समझेंगे। माना कि हमारे घर वाले तुम्हारे साइड के जैसा विदेश जाके नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा ख्याल रखते हैं। तुमसे किसने कहा कि ये मेरा ख्याल नहीं रखते? तुला मेरी टाइगर, हमेशा वही तू भी उसका ख्याल रखती है रामी। ऐसी भी क्या पढ़ाई, मतलब पढ़ाई का मोह समझो। एक व्यक्ति पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है। हाँ हाँ, और वो पढ़ाई पत्ती के जेवर बेच कर होती है। गन्याने बांगड़े फोड़ी लिया, गन्याने बांगड़े फोड़ी लिया, कहने तो फिर बन जाएंगे। हाँ, घास खराब पड़ा है ऐसा।
तो तुम्हें पता चल भी गया कि मैं पढ़ाई करने फिर से विदेश जा रहा हूँ। कैसे सब कुछ जान लेती हो रानी? बाबा के बाद एक तुम ही हो जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेती हो, सब कुछ बोलती। उपस्थिति हो या अनुपस्थिति, कैसे सब कुछ संभाल लेती है? इतने वर्ष बीत गए तुमने कभी किसी बात की शिकायत नहीं। वो मेरे मित्र ठीक ही कहते हैं, मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ पुण्य के काम किए होंगे जो इस जन्म में तुम मुझे मिले। अरे सुन 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 तो ये तूने दो दो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्यों? सिंपल, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। यस, नाउ आई वांट द आंसर। आई वाज अमेज्ड कि बाबा साहब ने एमए, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, डीलिट, पीएचडी, चार चार डॉक्टर डिग्री, कितना कुछ किया यार। क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ाई ही सक्सेस का रास्ता है और पेशेंस भी। सुन, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, पर्शियन और जर्मन, कितनी लैंग्वेज आती थी उन्हें। पढ़ना पैशन था उनका। और सुन, इसी पैशन के चलते लंदन में लॉ की डिग्री लेने के दौरान उन्हें इतने अधिकारों का पता चला जो समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सके। परम मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो उसे जन्म के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हमें तो जन्म से ही जाति मिलती है और उसके साथ जुड़ी गालियां। ऐसा नहीं है, हम तो अशिक्षित है, गरीब है, जिन्हें जीने के मूल अधिकार नहीं पता, वो बाकी अधिकारों को कैसे समझेंगे? इस बार बाबा साहब जब विदेश से भारत आए तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। देख रहे हैं आप, आज आपका स्वागत किसी भी समय नेता से कम नहीं हुआ है। ये आप प्रेम प्रदर्शन करवा रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन? आप दलित समाज के कर्मकार नहीं, मैं सबका हूं। इस बात का ध्यान रखें, जितना मैं आपका हूं मैं उतना पूरे समाज का। आप आज से अभी सक्रिय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी शुरू करें ताकि स्वाधीनता के संघर्ष में हम दलितों के योगदान को भी आवाज मिले। बात सुनिए, आप सभी का स्नेह सम्माननीय है, पर सबसे पहले मुझे कोल्हापुर महाराज का ऋण अदा करना है। ये पैसा जनता का है, जितनी जल्दी जनता को लौटा दिया जाए उतना अच्छा होगा। साहब, आप ये ले लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ये ऋण मैं ताज होने के अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे वकालत पर ध्यान देना है और आप लोगों के लिए एक मशवरा है, इन नारों, इन पूर्वाग्रहों से बाहर निकल के वाकई अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन सबके लिए लड़िए। समाज में जो भी पीड़ित है, जो भी शोषित है, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, दलित हो, स्वर्ण हो, महिलाएं हो, सबके लिए लड़े। बस इसी तरह हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। एक दलित बगैर की सबसे बड़ी डिग्री वो भी लंदन से लेकर भारत आए तो हमारे समाज में रहेगा वो दलित ही, और हम जासूस बनकर ये देखने में लग जाएंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि बुद्धि कभी जाति की गुलाम नहीं होती। इंटेलिजेंट लोग रीजन या रिलीजन देखकर पैदा नहीं होते, वो पैदा होते हैं समाज की सोच बदलने के लिए। लो भैया, अब लंदन से आए बैरिस्टर साहब हमें वकालत बताएंगे। अब यहाँ मेरा झूठों की भाई लगेगा। जिनके पास पैसा है उनकी जाति देख के दूर भाग जाएंगे। और इनके जाति के पास तो पैसे नहीं। पैसा चलेगा रे बेचारे का वकाला। कोर्ट के बाद वो खाली जगह है, अपनी दुकान लगा लो। हाँ, चल जाए बच्चा, वरना खानदानी पैसा तो है ही।
मेरी इतारे मुझे और एनकरेज करते थे। कई रुकावटों के बावजूद मेरी वकालत चल पड़ी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जंगल रात ज्यादा लग रहा था। अरे हवा पानी तो सभी का है। मैं बाहर जाऊंगा, मैं जल सत्याग्रह करूंगा। जल मेरा मानवीय अधिकार है।